एंड एमसीएस चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एंजॉय के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे और अब आप लोगों को साइंस का क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को आप लोग ध्यान से देखा करें। ओके, नेक्स्ट। और आज का क्वेश्चन जो है ये रुधिर से रिलेटेड है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सब। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन कह रहा है हीमोग्लोबिन क्या है। पहला ऑप्शन पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला पदार्थ, सेकंड है बोन मैरो में पाया जाने वाला पदार्थ, थर्ड है मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ, फोर्थ है पिट्यूटरी ग्रंथि में ग्रंथ से निकलने वाला पदार्थ। तो फ्रेंड आपको आंसर देना है कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जल्दी से आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो हीमोग्लोबिन क्या है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो मानव रक्त में पाया जाता है तथा इसके रासायनिक संयोग में ग्लोबिन नामक प्रोटीन और हीम नामक लाल रंग के पदार्थ मिलते हैं। रुधिर का जो लाल रंग होता है वो हीम के कारण होता है और हीम की बलय में केंद्रीय भाग में लौह पाया जाता है। एक सामान्य व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की जो औसत मात्रा होती है वह 15 ग्राम प्रति 100 ml में होती है और यह शरीर में गैसों के परिवहन का कार्य करता है। तो फ्रेंड कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जल्दी से ऑप्शन दीजिए। आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये राइट हो जाएगा। मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ जो है ये हीमोग्लोबिन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य आपको बताना, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। तो अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में डिटेल बताया है कि कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड जल्दी से आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो जो रुधिर होता है, रुधिर का लगभग 55% भाग प्लाज्मा और 45% भाग जो होता है ये रुधिराणु होता है। रुधिराणु जो होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं, WBC, RBC, प्लेटलेट्स। और प्लाज्मा में लगभग 91% जल होता है और शेष 9% भाग में विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। RBC जो होता है ये कुल रुधिर का लगभग 40% भाग होता है और यह रुधिर का कोशिकीय भाग है। रुधिराणु की लगभग 90% भाग जो है ये RBC है, ये केवल कशेरुकी प्राणियों में ही पाया जाता है। और लाल रुधिराणु में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो होता है ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इसमें हीम नामक लाल रंग का पदार्थ होता है जिसके कारण ब्लड लाल दिखाई देता है और रोगों की प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए WBC होता है, जिसे वीर सिपाही की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। ओके, तो फ्रेंड कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये राइट हो जाएगा, ऑक्सीजन का परिवहन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रुधिर वड़िका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। आपको बताना है रुधिर वड़िका मतलब आरबीसी के बारे में बताना है। पहला है इसमें लौह होता है, सेकंड है यह रक्त को लाल प्रदान करता है, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है। आपको आंसर देना है कौन से ऑप्शन राइट हो जाएंगे, कूट में आंसर देना है। तो पहला देखते हैं इसमें लौह होता है। तो अभी हमने बताया कि जो आरबीसी होता है उसमें उसके बलय के केंद्रीय भाग में आयरन पाया जाता है। ओके, तो पहला आपका ऑप्शन ये राइट हो गया। सेकंड है यह रक्त को लाल प्रदान करता है, तो ये भी है, आरबीसी जो है रक्त को लाल प्रदान करता है क्योंकि हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसमें हीम नामक वर्णक मिलता है। और थर्ड है यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो आरबीसी रोगों के प्रति प्रतिरक्षा नहीं प्रदान करता है, WBC प्रदान करता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और फोर्थ है यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है, तो ये बिल्कुल राइट है, ऑक्सीजन का वाहक जो होता है ये आरबीसी होता है। ओके, तो फ्रेंड कौन से ऑप्शन आपके राइट हो जाएंगे, जल्दी से कमेंट कीजिए। आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये राइट हो जाएगा, 1, 2 व 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। मेढक, मत्स्य, मानव, केचुआ। तो फ्रेंड जल्दी से आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है ये राइट हो जाएगा, केचुआ उसके जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। केचुआ जो होता है एक एनिलिडा संघ का प्राणी है जिसमें हीमोग्लोबिन जो होता है प्लाज्मा में घुला रहता है, जबकि अन्य कशेरियों में यह प्रोटीन लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है। केचुए में रुधिराणु जो होता है रंगहीन तथा केंद्रक युक्त होते हैं और इस जंतु में परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का रंग होता है, आपको बताना है जो आरबीसी है उनका रंग क्या होता है। ऑप्शन है क्यूटिन के कारण, सेकंड ऑप्शन है क्लोरोफिल के कारण, थर्ड ऑप्शन है हीमोसाइनिन के कारण और फोर्थ ऑप्शन है हीमोग्लोबिन के कारण। तो आपको बताना है जो आरबीसी है उसका रंग किसके कारण लाल होता है।
तो जल्दी से आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो आरबीसी का जो रंग है ये लाल, उसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के ऑक्सीजन से संयुक्त होने के कारण होता है। और लाल रुधिर कणिकाओं को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, जो कि सिर्फ कशेरुकियों के रुधिर में पाया जाता है। मनुष्य में ये केंद्रक विहीन तथा इनकी औसत संख्या पुरुषों में 54 लाख तथा स्त्रियों में 48 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर रक्त होता है। शरीर में ये गैसों का परिवहन करते हैं। तो फ्रेंड कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 4th जो है राइट हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के कारण जो है आरबीसी का रंग लाल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? आपको बताना है रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है, एस्फेरोमीटर, एनीमोमीटर, स्फिग्मोमीटर, एमीटर। तो फ्रेंड जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो मनुष्य का जो औसत रक्तचाप होता है वो 180 बाई 80 होता है, 120 पर 80 होता है, और 120 जो होता है ये प्रकुंचन दाब होता है, और 80 जो होता है ये पराश्रय दाब होता है। प्रकुंचन दाब क्या होता है? दिल की धड़कने पर दबाव का माप होता है। और पराश्रय दाब जो होता है ये दो धड़कनों के बीच में दबाव का माप होता है। ओके, तो इस तरह सामान्य मनुष्य में जो होता है प्रकुंचन दाब 120 मिलीमीटर पारा होता है, तथा पराश्रय दाब जो होता है वो 80 मिलीमीटर पारा होता है, और रक्तचाप को डॉक्टर स्फिग्मोमैनोमीटर यंत्र द्वारा नापता है। तो फ्रेंड कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर जो 3rd है ये राइट हो जाएगा भाई, स्फिग्मोमैनोमीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना हीमोग्लोबिन के संबंध में कौन से कथन आपके सही नहीं है। पहला है यह लाल रंग का होता है। दूसरा है यह फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वाहक होता है। तीसरा है यह कुछ अम्लीय होता है। और 4th है यह ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचाता है। तो फ्रेंड जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के संबंध में कौन सा ऑप्शन आपका गलत है। तो यह हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड रेड होता है, तो ये पहला तो आपका सही हो गया। और यह फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वाहक होता है, ये भी आपका राइट हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन का परिवहन करता है। यह कुछ अम्लीय होता है, अम्लीय नहीं होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है ये क्षारीय होता है, क्योंकि इसका पीएच मान जो होता है 7.1 से 7.4 होता है, इनके बीच में होता है, इसीलिए हीमोग्लोबिन जो हो गया ये क्षारीय हो गया। तो आपका 3rd ऑप्शन ये गलत हो गया। 4th है यह ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है, तो ये आपका राइट हो गया। तो फ्रेंड कौन सा ऑप्शन आपका गलत है इसमें से? आपका ऑप्शन नंबर 3rd जो है ये गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है? आपको बताना है किसमें लौह विद्यमान होता है, क्लोरोफिल, कोलेजन, कैरोटीन, मायोग्लोबिन। तो फ्रेंड जल्दी से आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 4th जो है ये राइट हो जाएगा, मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन जो है लगभग सभी स्तनधारियों, सामान्यतः कशेरुकी प्राणियों के पेशीय ऊतकों में पाए जाने वाला एक प्रोटीन है, और जो लौह है इसका आवश्यक घटक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? आपको बताना है रक्त जो है शरीर में क्या कार्य करता है। पहला ऑप्शन है हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचता है। 2nd ऑप्शन है तरलता बनाता है। 3rd ऑप्शन है भोजन पाचन में सहायक है। 3rd ऑप्शन है खड़े होने में सहायता करता है। तो फ्रेंड जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो रक्त जो है एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, जो रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में लगातार बहता रहता है। लाल रक्त कणिकाएँ रक्त का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो फेफड़ों से ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन शरीर के अन्य भागों में ले जाने के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो फ्रेंड कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। आपका ऑप्शन नंबर 1st जो है राइट हो जाएगा, रक्त का जो शरीर में कार्य होता है वो सारे शरीर में ऑक्सीजन का पहुँचाना होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है, तो एच जी से क्या तात्पर्य है? तो आपको बताना है एच जी से तात्पर्य आपका क्या है। तो HG जो एक प्रकार का है ये मरकरी बोलते हैं, हाइड्रारजियम इसको कहते हैं, हाइड्रारजियम HG का फुल फॉर्म है, हाइड्रारजियम।
ओके। तो आपका जो ब्लड होता है इसमें किसी व्यक्ति का अगर रक्तचाप 140 mmHg है तो इसमें HG से तात्पर्य क्या है, तो ये मरकरी है। मनुष्य का जो औसत औसत रक्तचाप होता है, मतलब ब्लड प्रेशर जो होता है, वो 120 प्रति 80 होता है। जब कोई डॉक्टर हमारा रक्तचाप नापता है तो वह वायुमंडल दाब के सापेक्ष में नापता है। यदि किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है तो जो HG है ये क्या है, मरकरी से रिलेटेड है। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न उपकरणों में किसको रक्तचाप मापने के लिए प्रयोग करते हैं, आपको बताना है निम्न उपकरणों में से किसको रक्तचाप मापने के लिए प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, मल्टीमीटर, सेलाइनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर। तो फ्रेंड अभी हमने ऊपर आपको डिटेल में बताया है कि रक्तचाप का जो मापक यंत्र क्या होता है, वो स्फिग्मोमैनोमीटर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब एक व्यक्ति वृद्ध होते जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब, ऑप्शन है घट जाता है, बढ़ जाता है, उतना ही रहता है, बदलता रहता है। तो आप फ्रेंड जल्दी से कमेंट कीजिए, जब कोई व्यक्ति वृद्ध होता है तो उसका रक्तचाप क्या हो जाता है, उसका ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है। तो उम्र के बढ़ने के साथ साथ मानव में रक्तदाब भी बढ़ने लगता है। सामान्य रक्तदाब जो होता है वो 120 प्रति 80 होता है, किंतु इससे अधिक होने पर हाई ब्लड प्रेशर और इससे कम होने पर लो ब्लड प्रेशर होता है। ओके, तो फ्रेंड कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। जब कोई व्यक्ति वृद्ध होता है तो उसका जो रक्तदाब होता है वो बढ़ जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है, पहला ऑप्शन वायुमंडलीय दाब से कम, सेकंड वायुमंडलीय दाब से अधिक, थर्ड है वायुमंडलीय दाब के बराबर, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना हमारे शरीर में जो रक्त का दाब होता है वो कैसा होता है। तो जब कोई डॉक्टर हमारा रक्तचाप नापता है तो वह वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष में नापता है। अगर हम देखें तो यदि डॉक्टर द्वारा जो नापा गया रक्तचाप जो होता है, अगर यदि 120 mmHg है तो इसका यह अर्थ हुआ कि यह दाब जो है वायुमंडलीय दाब से 120 mmHg जो अधिक है, और रक्तचाप का मापन जो है वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष होता है, जबकि वायुमंडलीय दाब निर्वात के सापेक्ष मापा जाता है, और निर्वात के सापेक्ष जो इसका रक्तचाप होता है वो 760 + 120 हो जाएगा। निर्वात में जो हो जाएगा वो 760 रहेगा, और उसमें जो हम हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसको ऐड कर देंगे तो टोटल हो जाएगा 880 mmHg निरपेक्ष। ओके, निर्वात की बात कर रहा है। ओके, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये राइट हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब से अधिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है, इसमें से कौन सा रक्त है जो सार्वत्रिक दाता होता है, जो सबको देने वाला होता है। तो कार्ल एंड स्टीनर ने रक्त को चार समूहों में बांटा है, ए बी ए बी ओ। तो इस प्रकार ये 1900 में कार्ल एंड स्टीनर ने चार रक्त समूहों की खोज की, ए बी ए बी व ओ। ओके, तो रक्त वर्ग जो ओ होता है ये सार्वत्रिक दाता होता है, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है, अतः इसका रुधिर सभी वर्ग के व्यक्तियों को चढ़ाया जा सकता है। इस वर्ग के प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडीज की उपस्थिति के कारण किसी भी अन्य वर्ग के व्यक्ति होते हैं उनका रुधिर इस वर्ग को नहीं चढ़ाया जा सकता है, इसीलिए रक्त वर्ग ए बी जो होता है ये सर्वग्राही होता है। ओके, तो फ्रेंड कौन सा ऑप्शन आपका सार्वत्रिक दाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये सार्वत्रिक दाता है, ओ जो है सार्वत्रिक दाता है, और ए बी जो है सार्वत्रिक ग्राही है। ओ सार्वत्रिक दाता क्यों है, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त समूह की खोज किसने की थी, आपको बताना है रक्त समूह की खोज किसने की थी। ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, सेकंड है विलियम हार्वे ने, थर्ड है रॉबर्ट कोच ने, फोर्थ है कार्ल एंड स्टीनर है। तो फ्रेंड जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अभी मैंने ऊपर ही चर्चा की है कि रक्त वर्ग की समूह की खोज किसने किया था, तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है ये राइट हो जाएगा, कार्ल एंड स्टीनर ने। 1900 में कार्ल एंड स्टीनर ने चार रक्त समूहों की खोज की, ए बी ए बी व ओ, और बाद में रहिसस बंदर ने एक अलग फैक्टर ढूंढा गया,
जिसे आरएच फैक्टर नाम दिया गया, जहां रक्त समूह ए में एंटीजन स्मॉल ए होता है, कैपिटल ए में एंटीजन स्मॉल ए होता है, वहीं पे बी में जो है वो स्मॉल बी एंटीजन होता है, दोनों और तथा ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। किसी खास रक्त समूह के रक्त को जब विपरीत रक्त समूह में मिलाया जाता है तो रक्त थक्के के रूप में जमने लगता है, जिसे रक्त स्कंदन कहते हैं। चूंकि ओ समूह के रक्त में ना तो कोई एंटीजन उपस्थित होता है और ना ही आरएच फैक्टर होता है, अतः इस समूह का जो रक्त होता है किसी व्यक्ति को देने पर कोई स्कंदन नहीं होता है, इसीलिए हम ब्लड ओ को किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएच कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के, आरएच कारक का नाम किससे संबंधित है, कपी से, मानव से, बंदर से, चूहों से। तो फ्रेंड आपको बताना है कि आरएच कारक का नाम किससे संबंधित है, जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अभी मैंने ऊपर डिटेल आपको बताया है कि रहीसस नामक बंदर पे ही इन्होंने अपना आरएच फैक्टर की खोज की थी, तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है, आपको बताना है किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का जो पीएच स्तर होता है वो क्या होता है, 4.5 से 4.6, 6.45 से 6.55, 7.35 से 7.45 और फोर्थ ऑप्शन है 8.25 से 8.35। तो फ्रेंड जल्दी से बताइए कि आपके ब्लड का जो पीएच मान कितना होता है, तो इसका जो पीएच मान होता है ये 7.35 से 7.45 तक होता है, और हमारा रक्त जो होता है ये क्षारीय होता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये राइट है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिजन वह पदार्थ है जो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। सेकंड ऑप्शन है विषाक्तता के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। थर्ड ऑप्शन है शरीर के ताप को कम करता है। फोर्थ है एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीप्त करता है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि प्रतिजन क्या है, एंटीजन को ही प्रतिजन बोलते हैं, ये क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो एंटीजन वे पदार्थ होते हैं जो प्रतिपिंड या प्रतिरक्षी के निर्माण को उद्दीप्त करते हैं तथा प्रतिरक्षा तंत्र को प्रवर्तित करते हैं। प्रतिजन जो होता है ये दो प्रकार का होता है, ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में जो ए तथा बी है, और एंटीबॉडी भी दो प्रकार के होते हैं, जो स्मॉल ए रोधी और स्मॉल बी रोधी होता है, किंतु ये जो होते हैं ये विशुद्ध प्रोटीन के रूप में होते हैं। ओके, आपका जो स्मॉल ए रोधी है और स्मॉल बी रोधी जो है ये विशुद्ध प्रोटीन के रूप में होते हैं। ओके, इस प्रकार आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से एंटीजेंस की मूल विशेषता क्या है, आपको बताना है निम्न में से एंटीजेंस की मूल विशेषता क्या है। तो पहला है वे हीमोग्लोबिन के निर्माण को प्रेरित करते हैं। सेकेंड है वे प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करते हैं। थर्ड है वह इंसुलिन को नष्ट करते हैं। फोर्थ है वह प्रतिरक्षियों के विरुद्ध कार्य करते हैं। तो फ्रेंड जल्दी से आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये राइट हो जाएगा, ये प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करते हैं, एंटीजन की मूल विशेषता। अभी मैंने ऊपर आपको डिटेल बताया कि एंटीजन वे पदार्थ होते हैं जो प्रतिपिंड या प्रतिरक्षी के निर्माण को उद्दीप्त करते हैं तथा प्रतिरक्षा तंत्र को प्रावर्तित या प्रेरित करते हैं, और एंटीजन जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में जो ए व बी होता है, और एंटीबॉडी भी दो प्रकार का होता है, स्मॉल ए रोधी स्मॉल बी रोधी, और स्मॉल ए रोधी और स्मॉल बी रोधी जो होते हैं ये विशुद्ध प्रोटीन के रूप में होते हैं। तो फ्रेंड आपको आंसर पता चल गया, ये ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा, और यही क्वेश्चन ऊपर वाले में भी था कि एंटीजन क्या है, तो दोनों सेम क्वेश्चन थे, बस पूछने का तरीका उसका डिफरेंट था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य, आपको बताना है सफ़ेद रक्त मतलब WBC का मुख्य कार्य क्या है। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन ढोना, सेकंड ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड ढोना, थर्ड ऑप्शन है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, फोर्थ ऑप्शन है ऊपर इतने से कोई नहीं। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये राइट हो जाएगा, WBC का जो कार्य होता है ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करना होता है। WBC जो होता है ये विशेष रुधिर कणिकाएँ होती हैं जो कि शरीर के किसी भी रोग से संक्रमित होने पर
उस विशेष संक्रमित स्थल पर पहुंचकर हानिकारक जीवाणु विषाणु या कवक जो होते हैं उनको उनका भक्षण कर लेते हैं और शरीर को संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके अलावा ये शरीर के प्रतिरक्षण एलर्जी और अति संवेदनशीलता की स्थिति में भी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। तो फ्रेंड कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये राइट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? तो अभी मैंने ऊपर के क्वेश्चन में इसका डिटेल बताया है कि हमारे शरीर में जो संक्रमण से रक्षा करता है वो कौन करता है, WBC करता है। ओके तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा, WBC। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन रक्त के संचालन में मदद करता है, रक्त के संचलन में मदद करता है? पहला ऑप्शन लिम्फोसाइट, सेकंड ऑप्शन मोनोसाइट, थर्ड ऑप्शन एरिथ्रोसाइट, फोर्थ ऑप्शन रक्त प्लेटलेट्स। तो फ्रेंड जल्दी से आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अभी मैंने आपको डिटेल में बताया है तो इसका ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन नंबर लिम्फोसाइट जो है ये राइट हो जाएगा। रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट द्वारा एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी प्रोटीन निर्मित होते हैं जो कि विष पदार्थों को निष्क्रिय करते हैं। लिम्फोसाइट जो होता है ये सबसे छोटे श्वेत रुधिराल होते हैं किंतु संख्या में अधिक होते हैं। इनका केंद्रक जो होता है बड़ा तथा गोल या एक और कुछ चपटा सा होता है। लिम्फोसाइट जो होते हैं गश्ती सेना की भांति समस्त शरीर में घूमती रहती हैं तथा सुरक्षा तंत्र के सारे भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करती हैं और ये प्रायः रक्त के संचलन में भी सहायक होते हैं। तो WBC जो है ये इसको लिम्फोसाइट भी बोला जाता है। ओके इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव रक्त की श्यानता का कारण है, पहला ऑप्शन है रक्त में प्रोटीन, सेकंड ऑप्शन है प्लाज्मा में बिंबाणु, थर्ड ऑप्शन है रक्त में RBC तथा WBC और उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा जो मानव रक्त में श्यानता का कारण है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो मानव रक्त की जो श्यानता होती है मुख्यतः प्लाज्मा में प्रोटीन और हिमाटोक्रीट आदि पर निर्भर करती है। रक्त में जो WBC होते हैं और प्लेटलेट्स की उपस्थिति का जो है उसकी श्यानता पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस प्रकार फ्रेंड कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, रक्त में प्रोटीन आपका जो है ये राइट हो जाएगा क्योंकि मानव रक्त की जो श्यानता का मुख्य पार्ट जो है वो प्लाज्मा में प्रोटीन का है। ओके तो इस प्रकार आपका ऑप्शन पहला राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? अगर यदि हमारे ब्लड में WBC की संख्या ज़्यादा हो जाए तो इस रोग को साइंस की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है एनोक्सिया, सेकंड ऑप्शन है ल्यूकेमिया, थर्ड ऑप्शन है एनीमिया, फोर्थ ऑप्शन है सेप्टीमीसिया। तो फ्रेंड जल्दी से आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये राइट हो जाएगा, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया जो होता है ये रक्त कैंसर को कहते हैं जिसमें WBC की संख्या आवश्यकता से ज़्यादा बढ़ जाती है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं, आपको बताना है कि RBC मुख्यतः बनती हैं कहाँ बनती हैं, यकृत में, गुर्दे में, हृदय में, अस्थि मज्जा में? तो फ्रेंड जल्दी से आंसर दीजिए आपके RBC का निर्माण कहाँ पे होता है। तो RBC जो होता है ये श्वसन अंगों से ऑक्सीजन लेकर इसे सारे शरीर में पहुँचाता है और RBC जो है अस्थि मज्जा में विकसित होता है। अस्थि मज्जा मतलब बोन मैरो में विकसित होता है तथा मनुष्य के शरीर में लगभग 120 दिनों तक प्रसारित होती रहती है और तिल्ली या प्लीहा जो होता है ये पुरानी रक्त कणिकाओं को नष्ट करने का कार्य करता है। तो फ्रेंड कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है अस्थि मज्जा या बोन मैरो ये राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड इस प्रकार आज का क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोग एंजॉय के साथ क्वेश्चन भी सॉल्व किए होंगे क्योंकि ये ब्लड से रिलेटेड था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा, जो समझ में ना आए उसे नोट कर लीजिए और बार बार रिविजन कीजिए। तो अब आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स।